आप सभी को मेरा सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में आपने सूरदास के पद में उद्धव और गोपियों के बीच के संवाद को जाना था, जिसमें उद्धव गोपियों के लिए योग संदेश लेकर आए थे और गोपियों ने अनेक उदाहरण देकर उनके योग संदेश को ठुकरा दिया था और कहा था कि हम तो केवल कृष्ण से ही प्रेम करते हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम दूसरे पद की ओर बढ़ते हैं। दूसरा पद, गोपियां अपने प्रेम की गहराई को बता रही हैं और गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, मन की मन ही मांझ रही, अर्थात मन की बात मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उधो ना ही परत कही। हम अपने मन की बात किसी को बता भी नहीं सकती और किसको बताएं? कौन सी मन की बात? मन की बात कि वो कृष्ण से प्रेम करती है, इस बात को वो किसी को भी किसी के सामने प्रकट नहीं कर सकती। अवधि आधार आसावन की तन मन विथा सही। अवधि मतलब समय, कृष्ण के आने का समय ही उनके जीने का आधार है और इसी आधार पर वे तन और मन की विथा मतलब व्यथा, व्यथा मीन्स दुख सह करे, अर्थात वो कृष्ण के आने की आशा में ही तन और मन के दुख को सहन कर रही है। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी विरही विरह दही। और कृष्ण ने तो तुम्हारे माध्यम से हमारे लिए योग संदेश भेज दिया है और ये योग संदेश सुन सुनकर हमारा दुख कोई कम नहीं हो रहा है, हमारा दुख बढ़ ही रहा है। चाहती हुती गुहारे ही जितई ते उत ते दार भई। हम चाहती तो तुमसे गुहार लगाना थी कि तुम हमारी रक्षा करो, परंतु ते उत दे, ते मतलब उधर से, उत से उधर से, ते धार भई, किसकी धार भई? योग संदेश की धार भई, अर्थात कृष्ण ने तो अपनी तरफ से तो योग संदेश भिजवाया है। अब सूरदास धीर धरी क्यों मर्यादा न लही। तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि अब हम धैर्य कैसे रखें, अब हमसे धैर्य नहीं रखा जाता क्योंकि हमने तो अपनी मर्यादा का पालन किया है परंतु कृष्ण ने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया। कौन सी मर्यादा का? प्रेम की मर्यादा का। कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया और तुम्हारे द्वारा हमारे लिए योग संदेश भिजवा दिया है। यह अभ्यास कार्य है जिसमें कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं और कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों का हल करके आप इन्हें अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। तीसरा पद, तीसरे पद में गोपियां योग साधना के संदेश को कड़वी ककड़ी कह रही हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हमारे हरि कौन है? कृष्ण भगवान। हारिल कौन है? हारिल एक तरीके का पक्षी होता है जो हर परिस्थिति में, सर्दी गर्मी बरसात कोई भी परिस्थिति हो, उस लकड़ी को अपने पंजों में दबाकर रखता है। तो गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमारे लिए तो कृष्ण हारिल की लकड़ी की तरह है और हमने भी कृष्ण को मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। और हमने मन से, क्रम से, वचन से, नंद नंदन मतलब कृष्ण को दिल से कसकर पकड़ लिया और हमने ऐसे ही पकड़ा है जैसे हारिल लकड़ी को पकड़कर रखता है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कहना कहना करी। जागत मीन्स जागते सोते, सपनों में, दिन में, रात में हम तो केवल कान्हा कान्हा के नाम की रटी लगाकर रखती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसी जो करू ककड़ी। और तुम्हारा ये योग संदोष सुनना हमें एक कड़वी ककड़ी की तरह लगता है। जिस प्रकार कड़वी ककड़ी को खाया नहीं जा सकता उसी प्रकार हम तुम्हारे योग संदेश को भी स्वीकार नहीं कर सकती। सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी ना करी, यह तो सूर तिन्ह ले सौंपी जिनके मन चक्री। सूतो व्याधि, वह व्याधि मीन्स बीमारी, तुम तो हमारे लिए बीमारी लेकर आए और ऐसी बीमारी जो हमने ना कभी देखी और ना ही हमने कभी सुनी। यह तो सूरदास जी कहते कि यह तो तिन्ह ले सौंपी, ये तुम उनको सौंप दो, उनको दे दो जिनके मन चक्री है, अर्थात जिनके मन चंचल है, जो इधर से उधर भटकते रहते हैं। हमें इस तुम्हारे योग संदेश की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम तो कृष्ण से ही प्रेम करती हैं। इसके लिए भी आपको कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं,
प्रश्न उत्तर दिए गए हैं जिन्हें आप ध्यान से पूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे और हल करके अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं में करेंगे। चौथा पद, इसमें श्री कृष्ण को गोपियां कुछ चतुर या चालाक बताती है। हरि है राजनीति पढ़ी आए, वो कहती हैं गोपियां उद्धव से कहती है कि हरि मतलब कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, तुम्हारी बात समझ में आ गई है। मधुकर मतलब यहां पर किसको कहा गया, उद्धव को। ये खास तौर से प्रश्न आता है कि मधुकर किसके लिए प्रयोग किया गया, मधुकर यहाँ उद्धव के लिए प्रयोग किया गया। तो गोपियां उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव अब हमें तुम्हारी सारी बात समझ में आ गई है और तुम्हारे सारे समाचार भी मिल गए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो वो पहले ही बहुत चतुर थे, बहुत चालाक थे और अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए और उन्होंने अब गुरु ग्रंथ भी बहुत सारे पढ़ लिए हैं, जिसकी वजह से बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाई, जिसकी वजह से उनकी बुद्धि बढ़ गई है और उन्होंने तुम्हारे साथ हमारे लिए योग संदेश भिजवा दिया है। तो वो कुछ ज्यादा ही समझदार और चालाक हो गए हैं। उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलन ढाए, पहले के लोग बहुत भले हुआ करते थे, हर किसी की भलाई के लिए एक दूसरे की मदद के लिए दौड़े चले आते थे, पर अब ऐसा नहीं है। अब अपने मन फेर पाइए चलत जो हुतु चुराए, और जाकर कृष्ण से कह दो कि यहां से जाते वक्त जो वो मन हमारा चुरा कर ले गए थे वो हमारा मन हमें वापस कर दे। ते क्यों अनीति करे, अनीति मतलब अन्याय, कि वो क्यों अन्याय कर रहे हैं। वो तो अन्याय के खिलाफ मथुरा गए, कंस से युद्ध किया, वहां के लोगों को अन्याय से छुटकारा दिलाया, कैसे संभव हो गया। वो तो खुद ही अन्याय करते रहते हमारे साथ। राज धर्म तो यह सुर जो प्रजा ना जाए सताए, और राजा का धर्म तो ये कहता है कि उसकी प्रजा को ना सताया जाए। वो तो हमें बेहद सता रहे हैं, हमें अपनी गोपियां ना समझे, कम से कम अपनी प्रजा का हिस्सा ही माने, और यदि हमें अपनी प्रजा का हिस्सा मानते हैं तो फिर वो हमें ना सताए। तो राजा का धर्म क्या होना चाहिए, कि अपनी प्रजा की रक्षा करे, उसको किसी भी प्रकार का दुख ना पहुंचे। इस तरह से गोपियां उद्धव को कहकर वापस भेज देती हैं कि हमें तुम्हारे योग संदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पद के लिए आपके पास कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर आप ढूंढकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। और इनके प्रश्नों से संबंधित किसी के पास कोई प्रश्न, समस्या या कोई शंका हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर या फोन करके पूछ सकते हैं। तब तक अगली कक्षा तक के लिए धन्यवाद।